नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देखें ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी हमारे पास न्यूजीलैंड की कुछ और रिक्वायरमेंट्स आई हैं और ये सेम पैटर्न पे हैं जो अभी हमने वैकेंसी अपलोड की है इंटरनेट मार्केटिंग और ड्राइवर के लिए। रिक्वायरमेंट अभी हमारे पास में जो है वो इस प्रकार से है। रिक्वायरमेंट रहेगी इसमें इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, पेंटर, इनकी रिक्वायरमेंट है और इसमें सेम कैटेगरी का वीजा है AEWB। इसके अलावा रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे पास में होटल हैंडीमैन की रिक्वायरमेंट है और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट रहेगी इंटरनेट मार्केटिंग प्लस रिसेप्शनिस्ट। ये तीन टाइप के रिक्वायरमेंट्स हैं और इन रिक्वायरमेंट में सैलरी लगभग सब में बराबर है। अगर हम बेसिक सैलरी देखते हैं, एनुअल सैलरी है 56,750 न्यूजीलैंड डॉलर से लेकर 81,720 न्यूजीलैंड डॉलर, इसके बीच में सैलरी रहेगी। मीन्स 56,750 से लेकर 81,720 के बीच में रहेगी, जो कि इंडियन करेंसी में 28,68,000 से लेकर 41,40,000 के आसपास में रहेगी। मीन्स 28 लाख से लेकर 41 लाख के बीच में इनकम हो सकती है। वर्किंग आवर्स की बात करेंगे तो एक हफ्ते में 50 से 60 घंटे का वर्किंग रहेगा। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जैसे रिसेप्शनिस्ट की प्रोफाइल है उसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सभी रिक्वायरमेंट्स में मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो टेक्निकल प्रोफाइल्स होती हैं उसमें ऑब्वियसली जो फीमेल्स की क्वांटिटी होती है वो कम होती है। वैसे अगर रेलेवेंट प्रोफाइल हो, कोई भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो, कारपेंटर के लिए भी, प्लम्बर के लिए भी, वो भी फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कपल भी अप्लाई कर सकते हैं अगर रेलेवेंट होते हैं तो। दोस्तों, इन प्रोफाइल्स में सबसे कॉमन चीज ये है कि सभी एक ही कैटेगरी के वीजा की रिक्वायरमेंट है और एज लिमिट 25 साल से लेकर 40 साल के बीच में है। जो जॉब का टाइमिंग रहेगा, ड्यूटी आवर्स रहेगी वो 50 to 60 आवर्स लगभग सभी प्रोफाइल्स में रहेगी। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी का इंटरव्यू होगा और पॉसिबिलिटी है कि इंटरव्यू जो डॉक्यूमेंट्स के बेस पर भी सिलेक्शन होते हैं, एक प्रकार से इंग्लिश ऐसी होना चाहिए कि अगर न्यूजीलैंड के क्लाइंट अगर इंटरव्यू लेते हैं तो क्वालिफाई कर सकें, पास हो सकें। और जो इंटरव्यू क्वालिफाई करता है, मीन्स अगर जिसको एम्प्लॉयर ने ओके कर दिया, सेलेक्ट कर लिया, तो उसका सिलेक्शन कंफर्म है प्लस उसका वीजा 100% आएगा। अभी आपने इससे पहले का उदाहरण देखा, हमारे कैंडिडेट का जो वीजा अप्रूवल हुआ था, सिलेक्शन कंफर्मेशन के बाद में 100% वीजा हो गया था। वैसे ही आपको आने वाले टाइम पर जिन लोगों का अभी सिलेक्शन होंगे उन सभी का 100% वीजा मिलेगा। और दोस्तों, ये वीजा एम्प्लॉयमेंट वीजा रहेगा, वर्क परमिट वाला वीजा, 3 साल की वैलिडिटी होगी, उसके बाद ये जो पीरियड है वो एक्सटेंड भी हो सकता है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है, अभी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स है वो लगभग एक एक दो दो की रिक्वायरमेंट्स रहेगी सभी में, और जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं हमारे पास में लगभग 1 वीक जैसा टाइम है। इस वीक में जो अप्लाई करेंगे उनका प्रोसेस हो सकता है क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा नहीं है और हमारे पास में ऑब्वियसली इंक्वायरीज काफी है। तो जो सबसे पहले आएगा, जो भी ऑफिस में सबसे पहले आएगा और सबसे पहले अप्लाई करेगा, उसी हिसाब से वैकेंसी क्लोज होगी। दोस्तों, अभी मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, मैं जो हमारी रिक्वायरमेंट थी जो 6 महीने वाली कंस्ट्रक्शन वर्कर वाली, 6 मंथ वाली, उसमें हमारे 4 कैंडिडेट ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कंफर्म हो रहा है, कंफर्म का मतलब जिन्होंने टिकट शेयर किया, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स कंफर्म भेजे और उनका कंफर्मेशन फिटमेंट होता है क्लाइंट अगर ओके कर, मीन्स जो रिलेवेंसी है, जो एलिजिबिलिटी है, उसमें उनके डॉक्यूमेंट मैच करते हैं, तो वो लोग कंफर्म हो जाएंगे। इसलिए जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जो एक्चुअल में अप्लाई करना चाहते हैं, वो अगले वीक में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे के अंदर ऑफिस आए, अप्लाई करें, क्योंकि अगर वैकेंसी क्लोज हो गई, क्योंकि ये फीफो बेस पर है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा अप्लाई हो जाएगा। जो लोग भी इंटरेस्टेड टीम को कॉन्टेक्ट करें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्किंग टाइम में कॉल करें, 10 AM to 5 PM के बीच में, मंडे टू सैटरडे। छुट्टी के दिन, छुट्टी के बाद कॉल नहीं करें, आज संडे है लेकिन आज कॉल नहीं करना है। कई बार कुछ लोग कैंडिडेट क्या करते हैं कि वीडियो जब देखते हैं तुरंत कॉल करते हैं और फिर कमेंट डालते हैं कि कॉल पिक नहीं हुआ। वर्किंग आवर्स में आप कॉल कीजिए, अगर अनऑफिशियल टाइम में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको नेक्स्ट वर्किंग डे में रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। और दोस्तों, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे, जैसे अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन रिज्यूमे और पासपोर्ट के साथ में अगर आप मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली कॉल बैक भी आपको आएगा। दोस्तों, ये रिक्वायरमेंट कैसे लगी, अगर आपको पसंद आई हो तो आप दोस्तों में, क्लासमेट्स को, कलीग्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे रिलेवेंट लोग इसका लाभ ले सकते हैं। जो इंटरेस्टेड होंगे, जो एलिजिबल होंगे, वो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे सोशल मीडिया के पेज जो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक BBB Overseas के नाम से, उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको फ्यूचर अपडेट्स टाइमली मिल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए।
हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।